हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम मार्क ट्वेन की फेमस नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवल में मार्क ट्वेन ने हमें टॉम सॉयर नाम के एक नटखट बच्चे के बारे में बताया है जो बहुत सारे एडवेंचर्स पर जाया करता था। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1876 में, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक छोटे से मस्तीखोर नटखट बच्चे की कहानी है जो मिसिसिपी नदी के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में टाउन में रहा करता था। तो ये जो वर्क है वो एक क्लासिक है अमेरिकन लिटरेचर का, और अमेरिका में ही नहीं बल्कि हर जगह इसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी इसे बहुत मज़े लेकर पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवल की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो टॉम सॉयर एक ऑर्फान है, यानी कि वो एक अनाथ बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है। वो अपनी आंटी पॉली और हाफ ब्रदर सिड के साथ सेंट पीटर्सबर्ग मिसूरी में रहा करता था, जो कि मिसिसिपी नदी के किनारे बसा एक टाउन है, कस्बा है। तो अर्ली चैप्टर्स पढ़ के, यानी कहानी के शुरुआती चैप्टर्स पढ़ के ही हम समझ जाते हैं कि टॉम को हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्रबलसम करते रहना बहुत पसंद है, यानी दूसरों को सताना बहुत पसंद है। तो पहले तो वो अपनी आंटी को परेशान करता है जैम खाकर, उसके बाद एक दूसरे लड़के के साथ लड़ाई करता है। तो उसकी इतनी सारी मस्ती को देखते हुए आंट पॉली उसे पनिशमेंट देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पूरे फेंस को वाइट वॉश यानी पेंट करना होगा। अब क्योंकि टॉम इस काम को करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो दूसरे बच्चों को ये कन्विंस करता है कि वाइट वॉश करने में, पेंट करने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये काम मैं तुम्हें तभी करने दूंगा जब तुम मुझे कुछ ना कुछ दोगे। तो इस तरह से रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करता है वो, और उन बच्चों से उनकी चीज़ें भी छीन लेता है और अपना काम भी वो उन बच्चों से करा लेता है। उसके बाद फिर बुक में हम देखते हैं कि कैसे टॉम जो है वो एक कब्रिस्तान जाता है, सिमेट्री जाता है अपने एक दूसरे मस्तीखोर फ्रेंड के साथ जिसका नाम होता है हकलबेरी फिन। हकलबेरी फिन भी उसी की तरह नटखट होता है, वो एक वैगाबॉन्ड है यानी बस यहाँ वहाँ घूमता रहता था, और उसके जो पिता थे हकलबेरी फिन के वो एक बहुत बड़े शराबी थे। तो ये दोनों जो लोग हैं, टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन, वो एक कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे तीन ग्रेव रॉबर्स हैं, यानी ऐसे चोर हैं जो ग्रेव से यानी कब्रों से लाशों को निकाला करते थे और बेचते थे उनके ऑर्गन्स के लिए। तो इनमें इंजन जो और डॉक्टर रॉबिन्सन हैं दो चोर, और ये लोग लड़ाई करने लगते हैं, और इस लड़ाई में इंजन जो उस डॉक्टर रॉबिन्सन को मार देता है। और टॉम और हकलबरी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन टॉम जो है वो इंजन जो के खिलाफ फिर टेस्टिफाई कर देता है, बता देता है कोर्ट में कि इंजन जो ने ही मर्डर किया हुआ था। एट वन पॉइंट टॉम, हकलबरी एंड थर्ड बॉय डिसाइड टू रन अवे फ्रॉम होम एंड बिकम पायरेट्स। तो फिर क्या होता है कि टॉम, हकलबरी और एक लड़का डिसाइड करते हैं कि वो घर से भाग जाएंगे और पायरेट यानी समुद्री लुटेरे बन जाएंगे। तो वो लोग एक आइलैंड पर जाते हैं, मिसिसिपी नदी के आइलैंड पर, और जब वो लोग चले जाते हैं इतने टाइम तक तो लोगों को लगने लगता है कि वो मर गए हैं, लेकिन फिर वो अचानक से आ जाते हैं जब उनका फ्यूनरल वगैरह लोग कर रहे होते हैं ये सोच कर कि वो मर चुके हैं, तो वो लोग अचानक से वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद फिर टॉम और हकलबेरी डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक घर होता है बहुत पुराना, उसमें वो ट्रेजर ढूंढने जाएंगे, यानी कि तेखा एक जो बहुत ही पुराना घर था, उनको लगता है कि वहाँ पर कुछ पैसे रुपए गड़े हुए हैं, ट्रेजर गड़ा हुआ है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस ट्रेजर को, खजाने को ढूंढने के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे वो लोग उस घर में जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे इंजन जो और उसका पार्टनर आया है, और उनके पास खुद का उनका खजाना होता है जिसको वो लोग वहाँ छुपा रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ आते हैं, वो दोनों आदमी, इंजन जो और उसका पार्टनर, उन्हें एक गोल्ड कैश यानी कि उन्हें एक संदूक मिलता है जिसमें बहुत सारा सोना होता है। तो बहुत सारा सोना उन्हें मिल जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसे कहीं और छुपा देंगे उस सोने को। और उस रात हक जो है, हकलबरी फिन, उनका पीछा भी करता है ताकि वो उस सोने को ढूंढ सके, वो देख सके कि वो लोग सोने को कहाँ चुरा रहे हैं। और तब वो ये सुन लेता है कि कैसे वो जो इंजन जो है और उसका पार्टनर है, वो लोग ये प्लान कर रहे थे कि वो विडो डगलस पे अटैक करेंगे
और हक जो है तभी फिर मदद लेने जाता है और इस क्राइम को रोक दिया जाता है, वो लोग इस क्राइम को कर नहीं पाते। तो विडो डोगलस वो औरत होती है जो हकल बेरी फिन की गार्डियन है, उसे अपने घर में रखे हुए थी। तो हकल बेरी फिन इंजन जो और उसके पार्टनर का प्लान चौपट कर देता है। उसके बाद टॉम जो है वो एक पिकनिक पर जाता है अपने क्लासमेट्स के साथ, यानी अपने सहपाठियों के साथ जिनके साथ वो पढ़ाई किया करता था, और उनमें एक लड़की है बेकी। और बेकी और टॉम एक दूसरे को पसंद किया करते थे। वाइल एक्सप्लोरिंग अ केव, तो वो लोग को एक केव मिलती है, गुफा मिलती है, उस गुफा में वो लोग खो जाते हैं। और बेकी जो है उसकी हेल्थ खराब होने लगती है और टॉम किसी भी तरीके से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और तभी उसे उस गुफा में इंजन जो दिखाई देता है। टॉम अल्टीमेटली लीड्स बेकी टू सेफ्टी। टॉम किसी भी तरीके से बेकी को बाहर निकालता है और उसके बाद एक आयरन डोर से, यानी कि लोहे के दरवाजे से, उस गुफा को बंद कर दिया जाता है। और टॉम को पता लगता है कि क्योंकि दरवाजा बंद कर दिया गया है तो इंजन जो अंदर ही फंस जाएगा। उसके बाद फिर कुछ लोग आते हैं वहां पर उस केव के पास, उस गुफा के पास, और तब उन्हें पता लगता है कि इंजन जो अंदर ही मर चुका है उस गुफा में। और टॉम रियलाइज करता है कि शायद वो सोना जो इंजन जो के पास था, उसका खजाना, वो अभी भी उसी गुफा में होगा। और वो और हकलबरी फिर उस गुफा में ढूंढते हैं और उन्हें वो खजाना मिल भी जाता है। हकलबरी सब्सिक्वेंटली टेकन इन बाय द विडो डुगलस। तो बाद में ये जो हकलबरी है, जैसे मैंने आपको बताया, विडो डुगलस उसे अपने यहाँ रख लेती है हकलबरी से खुश होके, क्योंकि हकलबरी ने ही विडो डुगलस की जान बचाई हुई थी, इसलिए विडो डुगलस उसे अपने साथ रखती है। और द बॉय शेफ्स अंडर हर रूल्स एंड डिसाइड्स टू रिटर्न टू हिज वैगाबॉन्ड लाइफस्टाइल। लेकिन लेकिन हकलबेरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते विडो डुगलस के तौर तरीके, और वो डिसाइड करता है कि वो फिर से भाग जाएगा। लेकिन टॉम उसे कन्विंस करता है कि तुम्हें विडो डुगलस के साथ ही रहना चाहिए। और यहीं पर जो नॉवल है उसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।